हेलो दोस्तों, तो आज की पेंटिंग का टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, या आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से चेंजेस करके हल्के फुल्के, जैसे माय विज़न अबाउट इंडिया इन ये क्या कहते हैं 2045, कुछ भी, मतलब जैसे जो भी आपको सही लगे वो आप इस पे टॉपिक ले सकते हो। खैर देखो, यहाँ पे बीचों बीच हम इंडिया बना रहे हैं, और मतलब इंडिया में ना जब आप कलर करोगे तो थोड़ा ना पैची लुक दिया होगा मैंने, तो वो देने की कोशिश करना, और थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दिया मैंने, ताकि मतलब जैसे कोई पेंटिंग देखे ना आपकी कंपटीशन में, तो दूर से ही मतलब वो उसको आपको मतलब आपकी पेंटिंग देख के वो अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे जैसे जज वगैरह भी घूमते हैं ना कभी कभी पेंटिंग कंपटीशन में, तो इस वजह से वो आपकी पेंटिंग देखेंगे ना तो अट्रैक्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। अब देखो, ऑरेंज के साथ मैंने येल्लो मिक्स किया है और पैच पैच करके दे रहा हूँ हल्का हल्का, देखो ठीक है। देखो अब रेड करा, अब इसमें ऑरेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब हल्का डार्किश लुक ही आएगा उसमें, जैसे रेड और ऑरेंज को मिक्स करने से, ठीक है। तो फिर उसके बाद कोई और कलर मिक्स करना या लाइट करने के लिए, जैसे येलो, आप अपने हिसाब से भी कलर ला सकते हो। मैं इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई स्पेसिफिक कलर ही कर रहा हूँ, मैं कोई भी कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब येलो से इसको लाइट करा, देखना। अब देखो, अब बीच में और लाइट करा, ठीक है। तो मतलब 3 बारी काम किया इसमें मैंने, एक रेड डार्क था उसके बाद उससे लाइट करा हल्का, लाइट कलर लेके फिर मतलब येलो मिक्स किया तो उससे लाइट हो गया, जैसे रेड में ऑरेंज किया फिर येलो किया, फिर उससे मतलब ऑरेंजिश येलो हो गया था वो, फिर लास्ट में येलो करा तो बिल्कुल येलो आ गया, ठीक है। तो ऐसे अब देखो, अब ग्रीन को भी पूरा मर्ज कर रहा हूँ मैं उसके अंदर, देखो ग्रीन और तुम्हें उसमें ना बिल्कुल मर्जिंग दिख रही होगी, जो राइट साइड वाला बैकग्राउंड था ग्रीन के, मतलब रेड में जो येलो मिक्स है उसके और ग्रीन में जो येलो मिक्स है वो दोनों साथ आ गए, ठीक है। ऐसे करके करना है। देखो अब इंडिया का जब बिल्कुल मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे से हो जाए ना, तो वो मतलब बहुत परफेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा, ठीक है। अब देखो जैसे टेक्स्चर लुक अभी आया ना इसमें, हल्का सा टेक्स्चर दे रखा मैंने, देखो पैची लुक, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा अगर पैची लुक दोगे ना तो उससे और अच्छा उभर के आती है ड्राइंग, ठीक है। देखो जैसा कि ना मैं पेंटिंग में सबसे पहले पोस्टर मेकिंग में जब भी करता हूँ मैं, तो सबसे पहले ना मैं बैकग्राउंड कर लेता हूँ, इस उसी हिसाब से ना आपको भी सबसे पहले बैकग्राउंड कर लेना है। फिर उसके बाद जब ड्रॉ करोगे ना, तो कंपटीशन में जल्दी जल्दी बनने के चांसेस बहुत होते हैं, मतलब 2 घंटे का टाइम होता है, तो उसमें ना बहुत जल्दी बन जाती है पेंटिंग अगर आप बैकग्राउंड पहले कर लो। और देखो ये वाला लुक डाल देना इसमें ऐसे करके, मतलब पहले ब्लैक करना, फिर उसमें ग्रीन करना, और मतलब डार्किश ग्रीन कलर आ जाएगा, सैप ग्रीन है वैसे वो, ठीक है। तो डार्किश सैप ग्रीन हो जाएगा, डार्किश सैप ग्रीन, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ना उस पर ऐसे वाइट से ना ऐसे ऐसे लाइन देना है जैसे दिया था मैंने। फिर उसके बाद आपको बनाना है विक्रांत, ठीक है। और इसमें ना आपको मैं साथ के साथ बताऊंगा, ठीक है, कैसे कर रहा हूँ मैं। जैसे देखो इसमें ना ध्यान रखना है कि ना जैसे डार्क और लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा,
और फिर उसके बाद ना जैसे थोड़ा बैकग्राउंड टाइप करके फिर डिटेलिंग पे आना है, ठीक है? अभी देखते चलो जैसे जैसे मैं करता हूँ। ये देखो, ये ब्लैक लिया, अब ब्लैक जस्ट मैंने हल्का सा लिया। अगर ज़्यादा ब्लैक ले लेता मैं तो वो ना वाइट के साथ मिक्स होकर पूरा मतलब थोड़ा ब्लैक डार्क ग्रे कलर आ जाता, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ब्लैक जस्ट हल्का सा लिया और फिर उसके बाद उसमें वाइट किया, तो बिल्कुल हल्का वाला ग्रेश लुक आया है, जो कि जैसा चाहिए था मुझे। तो ब्लैक कितना ले के वाइट में मिक्स करना है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब देखो, अब वाइट को ना जैसे जहाँ पे ज़्यादा वाइट चाहिए वहाँ पे मैं ब्लैक के साथ मिक्स नहीं कर रहा, सीधा वाइट से ही मतलब आउटलाइन वगैरह कर रहा हूँ। अब देखना, अब मैं जो ब्लैक लूँगा तो अभी मुझे ना ज़्यादा ब्लैक चाहिए, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने ब्लैक कर दिया। नहीं तो मैं वाइट में मिक्स करके या फिर बिल्कुल जस्ट हल्का सा ब्लैक लेता और वाइट तो वहाँ पहले से था, तो फिर मैं उसको मतलब वाइट के साथ मिक्स कर देता तो ग्रेश लुक आ जाता। लेकिन मुझे अभी ग्रेश लुक नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट ब्लैक ले लिया, ठीक है? अब देखो, अब येल्लो से ना उस पर वो लाइन डालो, जैसे रोड वाली लाइन नहीं होती, जैसे INS विक्रांत पे आपने देखा होगा कभी कि ऐसे मतलब रोड जैसी लाइन होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ते हैं ना उससे, तो इस वजह से मतलब ये वाली लाइन डालनी है आपको, ठीक है? जैसे रोड पे होती है सीधी सीधी लाइन डाल देना। अब फिर वाइट से थोड़े ऐसे बिल्डिंग विल्डिंग कुछ भी मतलब स्ट्रक्चर टाइप दिखाओ विक्रांत पे जो होता है, ठीक है? तो इससे आपको पता लग जाए मतलब इससे जो सामने वाला बंदा है उसको पता लगेगा कि हाँ ये विक्रांत है। अब देखो, अब ये जो ब्लैक करा मैंने ये जस्ट हल्का सा लिया ब्लैक मैंने, और फिर उसके बाद जो नीचे शेडो दे रहा हूँ ना इस चीज़ की, वो थोड़ा मैंने डार्क ब्लैक से दिया है, ठीक है? तो इन सब का ध्यान रखना। और जैसे हल्के ब्लैक से किया तो वहाँ जस्ट हल्का सा जस्ट शेडो टाइप आया है, अगर ज़्यादा डार्क ले लेते तो फिर वो ऐसा लगता कि कुछ मतलब ब्लैक सा कुछ पड़ा हुआ है और शेडो नहीं लगती, पर अब शेडो लग रही है। अब ये INS विक्रांत के नीचे एक ऐसे करके ना रेड कलर की, ऐसे इस तरफ जहाँ पे इंडिया है जहाँ तक, वहाँ तक बस रेड कलर की लाइन देनी है, उससे मतलब उसकी शेडो लगेगी वो, जैसे आपको लग रही होगी कि हाँ भाई शेडो बनाया है इसने, है ना? तो ये देखो, अब लेफ्ट साइड ना यहाँ पे आपको वर्टिकल फार्मिंग शो करना है, ठीक है? और मतलब इसमें ना कैसे करना है, एक ना पहले लीफ ग्रीन से ना नीचे पैचेस पैचेस देने हैं, जैसे डॉट 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 ऐसे ऐसे डाल रहा हूँ ना मैं वैसे वैसे, ताकि हर एक पेड़ लगे, ठीक है? मतलब पेड़ नहीं, सॉरी, पौधे, ठीक है? हर एक प्लांट लगे, और उसके बाद ना उसके ऊपर ऐसे डॉट 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 जस्ट उसके टॉप पे डॉट 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 ऐसे येल्लो से देना है, ठीक है? ये देखो, सबके ऊपर देना है, ठीक है? वो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन सबके ऊपर देना, वो वीडियो छोटी करने के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, पर आपको सबके ऊपर देना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके? अब देखो, अब उसके बाद ऐसे सीधी सीधी लाइन बना देना सबके बीच में, ठीक है? वो शीशे की एक ऐसे सेल्फ से रखी होती है वहाँ पे, तो वो बनाना ज़रूरी है, ओके? तो फिर ये कर दोगे, उसके बाद वर्टिकल फार्मिंग शो हो जाएगा आपका। और आप भी कह रहे हो यार ये बोलता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना ये बोलना पड़ता है यार एक्सप्लेन करने के लिए, समझ रहे हो ना? कि मैं सोचता हूँ कि कुछ छूट ना जाए, बस कहीं समझ ना आए कुछ ऐसे वैसे, इसलिए, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे ना पहले मिक्स कर लेना आप ब्राउन और ब्लैक को, ठीक है? और ब्राउन ब्लैक मिक्स करने के बाद बिल्कुल डार्किश मतलब थोड़ा ब्लैक टाइप का हो जाएगा, जैसे ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करोगे ना तो डार्किश ब्राउन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ना ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये इसमें ना पता है तीन शेडिंग का ध्यान रखना, एक लाइट मतलब वाइट से थोड़ा वाइट और जैसे ब्राउन को मिक्स करके लाइट वाला, और डार्क करने के लिए मतलब ब्राउन और उसको, और ब्राउन से मीडियम टोन, ठीक है? ब्राउन और ब्लैक से डार्क और ब्राउन से मीडियम टोन, ये तीनों का ध्यान रखना आप बस, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा लुक आएगा, और एकदम लास्ट में ना वाइट से मतलब फिनिशिंग देनी है, ओके? और ना एकदम लास्ट में इनके फेस पे हम हल्की सी डिटेलिंग करेंगे, जिससे कि इनका लुक आ जाए मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला, ठीक है? अब देखो, मैं जो जो कर रहा हूँ वो देखो ध्यान से, जैसे ब्राउन करा मैंने, ठीक है? फिर उसके बाद राइट साइड इसके डार्क डार्क दो लाइन दी, फिर से ब्राउन लिया थोड़ा ब्रश को धो के, फिर ब्राउन कर दिया मैंने। अब वाइट मिक्स कर रहा हूँ उसमें, जैसे थोड़ा सा लाइट मतलब वाइट और ब्राउन खुद ही मिक्स हो जाएगा ये, क्योंकि कलर गीला था तो कलर को गीला भी रखना होता है। अब देखो, मैंने हल्की हल्की लाइन दी, अब हल्की पतली के लिए ना ब्रश को थोड़ा ऊपर करके चलाया करो, मतलब या फिर ब्रश के पॉइंट को बिल्कुल पतला कर दो फिर चलाया करो, या फिर ब्रश को ऊपर करके चलाओगे ना तो वो पतली लाइन आएगी तब, ठीक है? बहुत ढीला ब्रश चलाना होता है पतली लाइन के लिए, ठीक है? और फिर अब देखो, आगे आगे मैं हल्की हल्की जैसे थोड़ा सा मतलब इसका स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, जैसे कपड़े की जो लाइन होती है ना वो दिखाने के लिए मतलब ऐसे ऐसे वाइट कलर से आगे आगे कर रहा हूँ बस मैं, ठीक है?
और फिर हाथ दिखा देना थोड़े लाइट से, मतलब वाइट और ब्राउन को मिक्स करना और हाथ दिखा देना। और ये फेस बनाने के लिए ब्राउन और ब्लैक को वापस मिक्स करना और फिर ऐसे बना देना, और वाइट से फिर हल्का हल्का स्ट्रक्चर दिखाना फेस का। और ये लास्ट में मैं और थोड़ी सी हल्की सी डिटेलिंग दूंगा फेस पे, ठीक है? इस तरफ अब बना देना बुलेट ट्रेन, ठीक है? क्योंकि मॉडर्न इंडिया में बुलेट ट्रेन ना हो तो फिर क्या बात तो बुलेट ट्रेन बना देना, ठीक है? उसके बाद इस तरफ सैटेलाइट्स वगैरह बना देना, जो इंडिया ने लॉन्च वगैरह करी होगी अभी, तो वो सैटेलाइट बना देना और प्लेनेट वगैरह बना देना, मतलब, ठीक है? और जो ये ब्लू यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ना ये ब्लू जो कलर के डब्बे में आता है वो यूज़ मत करना। उसके अलावा एक पर्शियन ब्लू आता है, वो जाके ना शॉप से ख़रीद लेना, ठीक है? किसी भी स्टेशनरी में मिल जाएगा वो, ठीक है? तो वो जाके ख़रीद लेना और वो वाला ब्लू यूज़ करना, उससे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी मिक्सिंग आती है, ठीक है? और ना इसमें ना सबसे पहले ब्लू करना है, फिर उसके बाद वाइट से ना उसको मीडियम और लाइट टोन देना हिसाब से। जैसे ब्लू में हल्का वाइट मिक्स करोगे तो मीडियम टोन आएगा, और ज़्यादा वाइट मिक्स करोगे तो बहुत ज़्यादा लाइट टोन आएगा उसका, ठीक है? ये सारी चीज़ें तो बेसिक आपको पता ही होंगी वैसे। अब देखो, अब ना वाइट से ना लास्ट में एकदम आउटलाइन करना है ऐसे ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो बस सेटेलाइट हो जाएगा, ठीक है? तो हाँ, अब देखो, अब ये प्लेनेट वगैरह बनाने के लिए ना जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना ब्लैक, वो उसका यूज़ करना होता है, ठीक है? अभी देखो, जैसे इसमें तो मैंने ब्लैक किया है बाद में, अब देखो इसमें ऑरेंज वाले में नहीं करूँगा। देखो ऑरेंज क्या, अब बस जो अंदर वाला पार्ट था ना ऑरेंज के सर्कल का, उसको बस हल्का सा पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा धुंधला कर दिया, बस हल्का सा पानी मिक्स कर दिया उसमें, तो वो पीछे वाला बैकग्राउंड वाला ब्लैक ही दिख रहा है उसमें। और फिर लास्ट में एकदम वाइट से सर्कल मार दिया ऑरेंज वाले पे, वैसे ही सेम देखो इसमें भी थोड़ा सा देखो बैकग्राउंड दिख रहा है ग्रीन वाले में, और ऊपर मैंने ज़्यादा ग्रीन कर दिया और लास्ट में येलो, और जब देखो बैकग्राउंड नहीं दिखा तो मैंने हल्का सा ब्लैक का सहारा लेके अंदर ब्लैक कर दिया, ताकि लगे कि मतलब जैसे बैकग्राउंड दिख रहा। और असल में पता है क्या होता है, ये जो ना जैसे कभी भी प्लेनेट देखोगे ना तुम कभी पेंटिंग वगैरह में, तो वो ना जस्ट हल्का ही दिख रहा होता है, मतलब जैसे आसपास के बस सर्कल दिख रहे होते हैं, प्लेनेट के बीच वाला एरिया डार्क दिख रहा होता है, इसलिए ये करते हैं, ठीक है? तो अब लगभग पेंटिंग होने वाली है कंप्लीट, जो देखो मैंने बोला था कि डिटेलिंग करनी है मुझे, तो वो बिल्कुल सलीके से अच्छी तरह बैठ के शांति से ये चीज़ करना तुम, ठीक है? देखो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल आराम आराम से डिटेलिंग करनी है, पतला पतला ब्रश चलाना है और ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो चलो पेंटिंग लगभग हो गई कंप्लीट, अब हल्की हल्की कुछ चीज़ें बना दूंगा और जो बची हैं, ठीक है? और हाँ, तुम्हें अगर कुछ पूछना हो ना मेरे से तो बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है? नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं इंस्टाग्राम का, तो उस पर जाओ और मेरे को मैसेज करो और मैं पक्का रिप्लाई करूँगा, मतलब बहुत वेला रहता हूँ मैं वेला वेला नहीं रहता, मतलब अरे मुझे ना जैसे मैं मैसेज देखता हूँ ना तो पक्का रिप्लाई कर देता हूँ इंस्टाग्राम, मतलब मैं 24 घंटे के अंदर तो पक्का रिप्लाई कर ही दूंगा, या ना किया तो उसके बाद भी कर दूंगा, मतलब पर कर दूंगा। तो आप आराम से मैसेज करना, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा। या फिर मतलब कुछ अगर कोई पेंटिंग चाहिए हो तो वो भी बता देना, अगर मुझे लगे कि हाँ मैं बनाऊँगा, बना सकता हूँ, या फिर किसी और ने ना बोला हो तो मैं पक्का बना दूंगा, ठीक है? और कुछ भी अगर बात बात करनी हो तो भी, ठीक है? और मतलब वहाँ पे और भी हैं पेंटिंग वाले बंदे, वो मतलब
पेंटिंग भेजते रहते तो मैं उनकी स्टोरी वगैरह पे लगाता हूँ, और जो बना के रिक्रिएट करके भेजते हैं ना मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनकी पेंटिंग देख के, और बहुत अच्छी अच्छी भेजते हैं बल्कि। तो अगर आप भी बनाओ तो आप भी भेजना, और मैं देखूँगा तो मुझे सही में बहुत खुशी होगी, और मैं स्टोरी पे भी लगाऊँगा। ठीक है, ओके, चलो, पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय।